डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क इन इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 8। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 के लेसन 2 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चिल्ड्रन एट वर्क किस बारे में स्टडी करेंगे। एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट बिफोर यू रीड। देर आर मैनी रीजन्स व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। अनेक कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। कुछ लोग आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार की सहायता करते हैं। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, अन्य कुछ लोग जो दुखी घरों से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए काम करने की आवश्यकताएं होती हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है अपनी उम्र के दूसरे बालकों की तरह खेल अथवा पढ़ नहीं सकते। इन फर्स्ट सीन ऑफ दिस लेसन वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू 11 वर्ष का लड़का है जो अपने घर से भाग जाता है। ही wanders around for hour before getting on a train to Chennai without a ticket. और वह बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने से पूर्व कई घंटों इधर उधर घूमता फिरता है। Tired and hungry, he does not know where he go when he a stranger at the station shouts a word of welcome. थका भूखा और बगैर यह जाने कि उसे कहाँ जाना है वह चलता जाता है, जब स्टेशन पर एक अजनबी चिल्लाकर उसका स्वागत करता है। इन फर्स्ट पैराग्राफ व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस इज पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंटर पर रुकी तो बेलू को उसमें से उतरने में कुछ समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर उतरा तो हिज लेग्स लेफ्ट वॉबली एज ही वाज स्टिल ऑन द मूविंग ट्रेन। तो उसकी टांगें अस्थिर लग रही थी, मानो वह अभी भी चलती गाड़ी में। वे आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड, यर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज ब्रेज। ही सैट ऑन अ वैन वे आउट ऑफ द वे, वे थोड़ा रास्ता दो। A porter went by the unloaded trolley. एक कुली सामान से भरी ट्रॉली लिए गुजरा। Velu jumped aside. Velu एक तरफ उछल गया। He sat on a bench on the platform. वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर यानी एक सीट पर बैठ गया। Putting his small bundle down, और वहाँ पर उसने अपनी गठरी रख दी। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. अपने 11 सालों में एक बार लगने वाले गांव के मेले को छोड़कर उसने इतने अधिक लोग रहने लोग कभी नहीं देखे थे। यानी इतने अधिक लोग जो है उसने कभी अपनी 11 साल की उम्र में अभी तक नहीं देखे थे। पीपल वॉक्ड बाई,
bumping into him with their suitcase. लोग अपने सूटकेस लिए धकियाते हुए आगे बढ़ गए. A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर पर किसी की उद्घोषणा की आवाज़ आ रही थी. Near him, a group of people sat on their luggage. और उसके समीप लोगों का एक समूह अपने सामान के ऊपर बैठा हुआ था. Thinking at a TV hanging from the roof, the noise was terrible. और जो छत से लटके हुए टीवी की ओर देख रहा था, the noise was terrible. और जो आवाज़ थी, जो शोर हो रहा था, वो काफ़ी भयंकर हो रहा था. Velu put his head down in his knees, feeling miserable and agitated. दयनीय तथा थके हुए वेलु ने अपने घुटनों पर अपना सिर रख लिया. He had run away from his place 2 years ago. वह अपने घर से 2 दिन पहले ही भागा था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. For 2 days he had eaten nothing. और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. But लेकिन some peanuts and pieces of jaggery. लेकिन कुछ मूंगफली के दाने और कुछ गुड़ के टुकड़े उसने पास थे. इस बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब. उसकी गठरी में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्ब यानी एक कंघा था. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे. पहले दिन वह कानूर के लिए चलता रहा था. एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और तभी वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट. वेलू के पास में टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. बट लेकिन लकीली सौभाग्यवश द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. लेकिन सौभाग्यवश उसे उस अनारक्षित डिब्बे में टिकट कलेक्टर भी नहीं आया. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. उसने दरवाजे के समीप फर्श पर सोने का प्रयास किया. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. उसके सामने लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था तथा सारी रात शोर मचाता रहा. ए व्हाट न्यू अ न्यू टू टोन ए कॉल्ड आउट ऑफ रफ वॉइस. अरे क्या शहर में नए आए हो, एक भद्दी आवाज में पुकारा. वेलू ओपनड हिज आइज. वेलू ने अपनी आंखें खोली. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड. उसके चारों तरफ
लोगों की काफ़ी भीड़ खड़ी थी, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, यहाँ अरे, ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान डैट कम डाउन टू हर नीज, हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड ही हैड अ यूक से ऑन वन शोल्डर, ही वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग इन टू हर से। ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे मुड़ा, बिहाइंड हिम उसके पीछे, वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी, वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो एक लंबी बनियान पहनी हुई थी, डैट कम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटने तक आ रही थी, हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्रूनिस, उसके बाल सख्त और भूरे थे, एंड सी हैड अ ह्यूज शेक ऑन वन शोल्डर, तथा उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था, ही वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स, वह डर्टी प्लास्टिक, ही वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू द हर्से, वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूंस कर भर रही थी। Why is she calling me? Thought Velu to, and why is a girl wearing a banyan? Why is she calling me? वह मुझे क्यों पुकार रही थी? Thought Velu. Velu ने सोचा, and why is a girl wearing a banyan? और लड़की बनियान क्यों पहने हुए है, ये उसने सोचा। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मूर्खतापूर्वक मुझे देखने की आवश्यकता, घूरने की आवश्यकता नहीं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, अब वेलू ने मटर्ड करते हुए यानी बड़बड़ाते हुए कहा, वेलू लुकिंग अवे, देखा। सो मिस्टर वेलू, सैड द गर्ल लुकिंग एट हिज वंडल रन अवे फ्रॉम होम। सो मिस्टर वेलू, इसलिए मिस्टर श्रीमान वेलू, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज वंडल, उसके बंडल को, उसकी टोकरी को देखते हुए, जिसके पास गठरी थी, उस गठरी को देखते हुए लड़की ने कहा, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए हो, यानी घर से भागकर आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं किया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल, क्योंकि वह किसी अजनबी लड़की से बात नहीं करना चाहता था। व्हाट सी हैड डन, वह क्या करना चाहती थी? सी ही हैड रन अवे, वह भाग कर आया, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर वेटिंग फ्रॉम फॉर मोर डे, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर वेटिंग फॉर हिम फॉर वन मोर डे, वह घर से इसलिए भागा था कि वह अपने पिता के हाथों एक दिन भी पिटना नहीं चाहता था। हिज फादर वाज स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्नड, एंड
स्पेंड इट ऑन ड्रिंक। उसके पिता वह सारा धन छीन लेते थे जो बेलू और उसकी बहन कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और इसे शराब पीने में खर्च कर देते थे। डू नॉट थिंक, आई डू नॉट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, वी कम रेट। डू नॉट थिंक, यह मत सोचो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, वेलू, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है। सो इसलिए, व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, वेलकम रिच, धनी बन जाओ। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके आगे बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वह धीरे से खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद अ ग्रिमेस। हंगरी आस्क्ड द गर्ल, यू वुड नॉट गेट फूड फॉर सिटिंग हियर, ग्रिमली मेकिंग फेसेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद अ ग्रिमेस। उसने अनुभव किया कि उसे भूख सता रही थी, यानी भूख लग रही थी, और एक पीड़ा के साथ अपने पेट को उसने दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो, यू वुड नॉट गेट फूड फॉर सिटिंग हियर ग्रिमली, तुम यहाँ पर इस प्रकार उदासी पूर्वक बैठकर मुंह बनाकर भोजन नहीं कर सकते। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम्हें चाहिए तो मैं ढूंढ सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़े। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर बैठा था। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड द फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए। वेयर वाज द गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सी वाज डिसअपीयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। सी वाज डिसअपीयरिंग इन टू द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अतः उसने जल्दबाजी में निर्णय लेना था। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनी वे, आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, सी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने निर्णय लिया। एनी वे, वैसे भी, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, वेयर टू गो, कि कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर, उसने छलांग लगाई, यानी वह उछल कर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा। ही वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा कि वह कहाँ है। इन दिस पैराग्राफ्स सम डिफिकल्ट वर्ड्स यू ऑल्सो सी, एज द स्नैच वे मीन्स टू अवे, फोर्सली यानी छीन लिया, पिंचिंग एक्सटोर्टिंग
यानी सता रही थी। slightly means slowly यानी धीरे धीरे। grimaces twisted expressions due to pain दर्द के कारण, चेहरे की एक प्रकार की चेष्टा। नेक्स्ट हम कल स्टडी